हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए बैक ओपनिंग में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, हमने ये ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए, देख सकते इस तरह से। और हमने ये लेस लिए, देखिए सिल्वर कलर कैसा रहेंगे ब्लाउज में। अब मैं आपको ब्लाउज का साइज बता देती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने वो 15 इंच ली है, तैयार में ये 14.5 इंच आएगी। देखिए, हम ये 36 साइज बना रहे हैं तो हमें डबल फोल्ड में 9 इंच ले लिया और 2 इंच हमारे इसमें मार्जिन है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए, मोटी हमारे 6.5 इंच है और इसमें हमारी 1.5 इंच की गुलाई है। तो देखिए, पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे। तो देखिए, शोल्डर से हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए, इसकी जो लंबाई लेंगे हम वो हम 11 इंच लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसमें हम देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। और देखिए, इसकी जो फिनिशिंग देंगे हम अंदर लाइनिंग में, वो हम इसके हम क्रॉस में पट्टी कट कर लेंगे 1.5 इंच चौड़ी, उसके इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे। और हम अब ब्लाउज पे कट करेंगे। तो देखिए, इसको भी हम 4 इंच निशाना लगा लेते हैं और इसकी जो लंबाई लेंगे हम 3 इंच लेंगे। देखिए, यहां से 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं, जिस तरह से हमें लाइनिंग में निशान लगाया था। अब देखिए, यहां पे हम इस तरह से ड्रॉप देंगे। देखिए, इस तरह से अब सेम इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने ये भी कट कर लिया है और इस पे भी हम क्रॉस की पट्टी से फिनिशिंग दे देंगे पूरे पे। देखिए, इस तरह से मैंने लाइनिंग सीधा रखा है और हम इस पे क्रॉस की पट्टी लगा देंगे। तो देखिए, हमने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट करी है और पूरी फिनिशिंग देंगे हम। देखिए, हमने फिनिशिंग दे दी और इसी तरह हम ऊपर हम ब्लाउज पे भी फिनिशिंग दे देंगे, ऊपर नेक पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह हमने यहाँ पे इसके लिए भी क्रॉस में पट्टी कट करी है। देखिए, हमने ब्लाउज में फिनिशिंग दे दी इस तरह से। और देखिए, अब हम लाइनिंग को नीचे अटैच करेंगे इसके। देखिए, ब्लाउज इस तरह से हमने नीचे सीधा रखा है और इसके ऊपर हमने इस तरह से उल्टा रखा है। यहाँ पे नीचे फिनिशिंग देंगे जिसे हम पलट देंगे इसे। तो देखिए, इस तरह से नीचे भी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए, हम आर्म गोल से इस तरह से सेट कर लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा वो इस साइड निकाल देंगे हम।
देखिए इस तरह से अपन पिन से सेट कर लेते हैं, जो हमारा नीचे लाइनिंग आ रहा है देखिए इस तरह से, इसमें दिखाई भी दे रहा है हमें। अब इसको अपन सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली, सेम जगह हम दूसरे साइड का भी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नीचे फिनिशिंग दी है और यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से अटैच कर दिया इसे, और हमने हुक और आई की पट्टी बना दी इस तरह से यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे सिलाई की है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लेस लगाएंगे इस तरह से। क्रॉस में इस तरह से देखिए इस तरह से हमने क्रॉस में इस तरह से लेस लगा दी, हमारी पांच लेयर लगी। सेम इस तरह अपने दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने लेस लगा दी है दोनों साइड। अब देखिए हम ये लेस इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने लेस लगा दी है। अब इस तरह से हम यहाँ पे लेस लगाएंगे पूरे राउंड में यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके नीचे तक लेके आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे लेस लगा दी, हमने नीचे भी लेस लगा दी, और मैं प्लेट भी डाल दी इसके ऊपर। और देखिए हमने डोरी लगाई है इसमें, तो इन लटकनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए। और देखिए हमने ये फ्लावर बनाए, तो देखिए इसमें हम फ्लावर इस तरह से लगाएंगे, और इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए हमारे डबल कलर में ये तो इस तरह से आएगा हमारा ये। देखिए इस तरह से हमने आठ फ्लावर लगा दिए हमारे। देखिए इस तरह से देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो मैं लटकन की और फ्लावर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी।